नमस्कार, मैं अखिलेश पाठक। आप देख रहे हैं दस्तक 24। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी प्रत्याशी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान में लगे हुए हैं। सभी पार्टी स्तर से चुनावी तैयारियां हो रही हैं। पार्टी अपने सिंबल से प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। इस वक्त मैं सादतगंज वार्ड नंबर 13 में हूँ और मेरे साथ मौजूदा पार्षद समाजवादी पार्टी से मौजूदा पार्षद मोनू कनौजिया जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, खास बातचीत करेंगे इनसे। क्या अनुभव है, जो पहले आप चुनाव लड़े थे और पार्षद हैं मौजूदा, इस बार चुनाव मैदान में क्या अनुभव साझा कर रहे हैं? इस बार चुनाव मैदान में जाऊंगा, जो मैंने जनता के बीच जाकर जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर मैं खरा उतरा हूँ, और जो कुछ कमियाँ रह गई हैं, जो वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको मैं दोबारा जनता के बीच जाके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करूंगा। जिस तरीके से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को मानती है और है भी, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ती है और चुनाव की मजबूती से तैयार। आगामी विधानसभा जो चुनाव बीता, ये विधानसभा चुनाव में आपने देखा पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ी और मैदान में आई और जीत दर्ज की, तो उसमें क्या देख रहे हैं आप? अपने सामने किसको देख रहे हैं? मैं यहाँ से अपनी बात करूँ तो मैं अपने सामने किसी को नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जनता के बीच जाकर जनता का काम किया है, जनता की समस्याएँ सुनी हैं, समस्याओं का निदान किया है, और जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं उनको मैंने दूर करने का काम किया। इसलिए चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी आए या कोई भी पार्टी आ जाए, मैं यहाँ समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ और आगे भी रहूँगा, ये मुझे जनता से उम्मीद है। सर, ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी जो है परिवारवाद करती है, समाजवादी पार्टी में खुद में झगड़े हैं, तो वो कैसे पार्टी को संभालेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगता है, इस पर क्या बोलेंगे? आरोप तो लगता था, आरोप तो ख़त्म हो गया। कल तो चाचा भी साथ हो गए, जो अंदर की उनकी नाराज़गी थी वो भी दूर हो गई है, अब सब लोग साथ हैं, पूरा परिवार साथ है। सर, आपके क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि आप चुन करके आए दोबारा, तो उनके लिए क्या नया कार्य ऐसा है कि जो आप करना चाहेंगे अगर आप पार्षद बनते हैं दोबारा? दोबारा पार्षद बनता हूँ तो मैंने बताया ना, जो भी अभी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं कि रोड नाली अभी बहुत काफ़ी सी रह गई हैं, पिछड़ा क्षेत्र था इसलिए मैं पूरा विकास नहीं करा पाया हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक के मैंने करा दिया है। जो कुछ रह गए हैं उनको पूरा कराऊंगा, कुछ समरसेबल टंकियाँ रह गई हैं उनको फिर से मैं आऊँगा तो उनको भी पूरा कराऊँगा। और हमारे क्षेत्र में एक बड़ा सा तालाब है जो कूड़ों से पटा हुआ था, अब उसका भी काम शुरुआत होने वाला है, टेंडर वेंडर हो गया है तो वो भी काम चालू होने वाला है। दूसरा एक और हमारे वार्ड में छोटा सा तालाब है, तो उसके भी मैं चाहूँगा कि अगर दोबारा आया तो मैं जो ये तालाब छोटा सा है उसको भी मैं सुंदरीकरण करा के वहाँ पर जैसे पूजा होती है छठ पूजा की, तो मैं चाहूँगा कि जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें हमारी पूजा करती हैं छठ पूजा के लिए, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, अपने क्षेत्र में ही रहें और वहीं पे सुंदर सा तालाब बन जाए, वहीं पे पूजा पाठ करें। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा समस्या तो सफाई को लेकर, कल भी हमारा सदन हुआ तो नगर निगम से जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, काम करना नहीं चाहती है, केवल दिखाई। भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है हमने सारे काम किए हैं और ज़मीन पर सारे काम दिखाई दे रहे हैं। कौन सा काम ज़मीन पर दिखाई दिया? एक काम बताइए जो ज़मीन पर दिखाई दिया। आप पत्रकार महोदय, आप ही बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया जो ज़मीन पर दिख रहा है? जी सर, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने सारे काम किए हैं, वह पोस्टर्स में भी दिखाई देता है सारे, और ज़मीन पर बोलती है कि हमने सारे काम किए हैं। क्या काम किया? महंगाई की, महंगाई बढ़ाई है वो काम किया है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं वो काम किया है, और सर लोगों का बोलते हैं आय भी बढ़ा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई बढ़ी है, आय बढ़ी है, अब आय इतनी ज़्यादा कहाँ बढ़ी, नौकरियाँ मिली हैं, ये 10 साल होने वाला है केंद्र में और 6 साल हो रहा है प्रदेश में, कोई एक बंदा बता दे कि इन्होंने नौकरी किसी को दिया है, हर चीज़ प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, किसको नौकरी मिल गई? हमें वैश्विक स्तर पर तो देश को मजबूत किया ना। क्या मजबूत किया? रुपया अपना गिरता चला जा रहा है, मजबूत क्या किया?
हमको बताइए कौन सी चीज़ मजबूत हो गई है। बस विदेश में दौरा जाने के मजबूत हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी दौरे बहुत करते हैं, वो कपड़े रोज़ बदलते हैं, जो भी नया कुर्ता हो नई सदरी एक भी हमको उनका दिखा दीजिए जो 10 साल पूरे होने वाले हैं, जो उन्होंने एक बार अपने तन पे कपड़ा रखा हो और दोबारा उस तन पे बदन पे वो तन पे कपड़ा आया हो, ऐसा कोई कलर या कपड़ा दिखा दीजिए मुझे 10 साल में। तो आपके हिसाब से सर क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, ये तो जो आप जनता के पैसों से काम हो रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के पैसे नहीं है, ये जनता का पैसा है तो जनता के पैसों से विकास हो रहा है, जनता टैक्स दे रही है तो विकास हो रहा है, जनता टैक्स नहीं देगी तो विकास कहाँ से होगा। सर लेकिन आप बोल रहे हैं कार्य नहीं हुआ है, और कार्य ना होने के बावजूद भी लगातार सत्ता में कैसे आ रही भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण है? अब कोई उनके पास जादू की छड़ी होगी उसी वजह से आ रही है, क्योंकि मैं भी बीते विधानसभा चुनाव हार चुका हूँ, कोई जादू छड़ी होगी। 6000 वोटों से मैं हारा था मलियाबाद विधानसभा से। अच्छा, जब मैं चुनाव लड़ा था तब उसको कह लिया बेमानी कह लिए या जादू छड़ी कह लिए कुछ भी कह लिए, इससे मैं उन्हीं का टाइम चला उनके दिन चल रहे हैं, नहीं तो समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ी थी और इनको हार का डर सताने लगा था, और फिर उसके बाद क्या हुआ अभी तो कोई नहीं जान सकता है। बाकी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, और भगवान चाहेगा दोबारा सरकार बनाएंगे। और सर चुनाव राजनीति से आप कितने समय से जुड़े हैं, और समाजवादी पार्टी चुनने का ही खास कारण क्या है? समाजवादी पार्टी में जो विकास होते हैं या जो सोच है समाजवादी विचारधारा है, तो मुझे समाजवादी विचारधारा अच्छी लगी, उनकी सोच अच्छी लगी, उनके कार्य अच्छे लगे, उनके विकास अच्छे लगे, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और सर ये राजनीतिक करियर जो है आपका, ये कहाँ से शुरुआत की, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हमें राजनीति में उतरना चाहिए और राजनीति में करके ही हम समाज सेवा कर सकते हैं, कब से राजनीति कर रहे हैं, पूरा करियर अपना पूरा साझा करिए सर। अब करियर के बारे में पूछिए तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे राजनीति करते हुए, मेरा व्यवसाय था, मैं व्यवसाय करता था, तो व्यवसाय के मिलनसार मैं हूँ, तो लोग की जो छोटी मोटी समस्याएं होती थी मैं उसको दूर कर देता था, फिर छोटी समस्या दूर हो तो आदमी को फिर और लगे कि भैया से फिर थोड़ा काम करें, भैया करा देंगे, लेकिन भैया पास कोई पावर पोस्ट तो थी नहीं जो अधिकारियों से जाके लड़ भिड़ के काम करा लेंगे, तो फिर ज़रूर दिमाग में आया कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए, जनता अगर चुनेगी हमको तो जनता के लिए समाज सेवा करने में मुझे आसानी रहेगी, अधिकारियों से लड़ने में, अधिकारियों से काम कराने में फिर मेरे पास पावर रहेगी, ताकत रहेगी, उस हिसाब से मैं फिर जनता की जो भी समस्या होंगी, जो समाज सेवा होगी वो मैं करूँगा। ये बात सर शुरू में चुनाव में आए तो जनता के बीच में क्या क्या परेशानियाँ फेस करने को मिली? नहीं, जनता में सबसे ज़्यादा परेशानी थी रोड नाली नहीं थी, साफ सफाई नहीं थी, गलियों में पानी की टंकियां नहीं थी, पानी गंदा आता था, काफ़ी समस्या होती थी, और भी कुछ चीज़ें रहती थी, पारिवारिक लोगों की दिक्कतें रहती थी, तो वो लोग नहीं सुनते थे, मैं वो भी सुनता हूँ, थाना पुलिस लोग नहीं सुनते थे, मैं वो भी सुनता हूँ, तो हमसे जितनी भी समाज सेवा होती है मैं अपना तन मन धन के साथ करता हूँ। ऐसा माना जाता है सर कि लोग बोलते हैं, विपक्षी पार्टियाँ भी बोलती हैं और जनता भी कुछ बोलती है कि जो समाजवादी पार्टी है ये यादवों की पार्टी है, इसके बारे में क्या विचार है आपका? नहीं, कैसे कह सकते हैं यादवों की पार्टी, मैं तो धोबी हूँ, पहली बार टिकट मांगा, पहली बार मैं टिकट दे दिया पार्षदी का, दोबारा में भैया ने हमारे विधानसभा टिकट मांगा, उनको टिकट मिल गया, और हमको तो भारतीय जनता पार्टी में बताइए कि ओबीसी विशेषगत बोलते हैं कि ओबीसी को लेकर के राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी जातियों का ध्यान रखती है और सभी जातियों को लेकर काम करती है, कोई ये कहे कि गलत है कि मुस्लिमों की पार्टी है या यादव की पार्टी, तो ये गलत है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह मानता हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ाए थे तो उसमें किसी भी एक मुस्लिम को उन्होंने टिकट दिया हो तो बताइए, तो मैं उसको परिवारवाद कहूँगा, ना कि समाजवादी पार्टी को। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको गिनवा दूँ कि अगर परिवारवाद है तो भारतीय जनता पार्टी में, ना कि समाजवादी पार्टी में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि हम हमेशा नए चेहरे को उतारते हैं, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं।
नए चेहरे को तो कहाँ से नया चेहरा उतारते, जरा मुझे पत्र महोदय बताइए आप कि कहाँ से नया चेहरा उतारते हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी के बेटे हैं, राजनाथ जी खुद हैं, दो बार हो चुके, तीसरी बार होने जा रहे हैं, उनके बेटे एक बार पहले हुए फिर हो गए, और भी कई चेहरे हैं जो अभी मौजूदा मुझे नहीं याद हैं, लेकिन अगर दोबारा आएंगे तो मैं पूरा गणित बना के रखूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कौन परिवार बात करता है और कौन नहीं करता। फिलहाल अभी वार्ड की बात की है, वार्ड में आपके सामने कोई टक्कर में है या नहीं है? वार्ड में बस थोड़ी सी संशय बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही डरी हुई है कि सारे समाजवादियों के जो भी पार्षद हैं किसी के वार्ड ख़त्म कर दिया जी जी। तो किसी का परसीमन में कि वो चुनाव न लड़ पाएं, सीट चेंज कर दें, आरक्षण के खेल करें, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि अगर सीट हमारी सामान्य हो या ऐसी हो या ऐसी महिला हो, मैं चुनाव लड़ूँ या हमारे फैमिली में कोई लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी चेहरा लड़ा दे वो मोनू कनौजिया को नहीं हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मोनू कनौजिया जी अभी थे, पार्षद थे मौजूदा सादतगंज वार्ड नंबर 13 से, लखनऊ से, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से बात किया और ये इनसे बातचीत किया हमने, उन्होंने बताया कि हमारे सामने इस समय टक्कर में कोई नहीं है। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए और द दस्तक 24 की प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।